नमस्कार साथियों, स्टडी बैटल के YouTube प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सो आज के इस वीडियो में हम जो प्रमुख समितियां हैं या प्रमुख आयोग हैं, जहां से क्वेश्चन कई बार विभिन्न परीक्षाओं में ठीक है पूछा गया है और आगे आने वाली परीक्षाओं में ठीक है आगामी परीक्षाओं में भी आपसे पूछे जाने की संभावनाएँ हैं, तो आज के इस वीडियो में हम यही समितियों के बारे में डिस्कस करेंगे। समिति और आयोग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है, इसीलिए इसको आज हम वीडियो डिस्कस करेंगे। छोटा सा वीडियो होगा, बहुत लंबा इसको नहीं खींचेंगे, तो वीडियो को हम स्टार्ट करें। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपको सबसे पहले और ससमय मिल जाए ठीक है। तो इसमें एक तरफ देखिए आयोग दिया हुआ है, समिति आयोग या समिति भी हुई है और उसका संबंध किससे है ये भी दिया हुआ है। तो नानावटी आयोग का संबंध किससे है कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो गोधरा कांड से नानावटी आयोग का संबंध है। लिब्राहन आयोग, इसका संबंध जो है वो बाबरी मस्जिद से है, तो दोनों ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। फुकन आयोग का संबंध जो है वो तहलका टेप कांड से है ठीक है। हुइटले कमीशन या आयोग का जो संबंध है वो श्रम से है ठीक है। जैन आयोग का संबंध जो है वो राजीव गांधी हत्याकांड से है। हंटर आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है, हंटर आयोग का जो संबंध है ये जलियावाला बाग हत्याकांड की जांच से संबंधित है। नरसिम्हम समिति है, इसका संबंध जो है वो वित्तीय या बैंकिंग सुधार से कई बार पूछा गया है क्वेश्चन यहाँ से ठीक है। हंटर आयोग से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ज्ञान प्रकाश समिति चीनी घोटाला। रंग राजन समिति का जो संबंध है वो भुगतान संतुलन से है ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है आपसे। राजा चेलैया समिति, ये इंपॉर्टेंट है, कर सुधार से संबंधित है ठीक है। ठक्कर आयोग का संबंध जो है वो इंदिरा गांधी हत्याकांड से है ठीक है, अभी हमने राजीव गांधी हत्याकांड से संबंधित ऊपर डिस्कस किया। ठक्कर आयोग का जो संबंध है ये आपका इंदिरा गांधी हत्याकांड से है। बलवंत राय मेहता ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बलवंत राय मेहता आयोग का संबंध, जो बलवंत राय मेहता समिति है, आयोग नहीं था, समिति बनाई गई थी तो उसके अध्यक्ष भी यही थे, इसीलिए इनके नाम पे ही रख दिया गया बलवंत राय मेहता समिति। यह पंचायती राज व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इन सब में हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बलवंत राय मेहता आयोग है ठीक है, समिति है सॉरी। ये पंचायती राज व्यवस्था जो पूरा राज व्यवस्था है पंचायत से संबंधित, इसका जो संबंध है, इसके जो रिपोर्ट है वो मतलब समिति है जो गठित की गई वो बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में गठित की गई थी, इसीलिए इन्हीं के नाम पे समिति का नाम रखा गया था। सत्यम समिति जो है वो वस्त्र नीति से संबंधित है ठीक है। नरेश चंद्र समिति जो है ये एविएशन सेक्टर से संबंधित है। श्री कृष्ण आयोग मुंबई दंगा ठीक है, मुंबई दंगा 1993 जो मुंबई ब्लास्ट हुआ, दंगा हुआ, उससे संबंधित है। सरकारी आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है इससे संबंध है सरकारी आयोग का ठीक है। गोई पोरिया समिति, बैंकिंग सेवा जो सुधार, बैंकिंग सेवा है उनमें जो सुधार है उससे संबंधित समिति थी। जानकी रमन समिति जो है प्रतिभूति घोटाला ठीक है, प्रतिभूति घोटाले से संबंध जो है वो जानकी रमन समिति का है। तो दोनों तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रतिभूति घोटाला का प्रतिभूति घोटाले से संबंधित समिति कौन थी या जानकी रमन समिति का संबंध किससे है, तो दोनों तरह से आपको ध्यान रखना है ठीक है। तो इन सब में अगर हम इम्पोर्टेंट बात करें जहां से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसमें जानकी रमन समिति है ठीक है, सरकारिया आयोग है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है यहां से, बलवंत राय मेहता सबसे इम्पोर्टेंट है हमने आपको पहले भी बताया, ठक्कर आयोग, राजा चलैया समिति कर सुधार से टैक्स रिफॉर्म से संबंधित है, रंगराजन समिति इम्पोर्टेंट है, नरसिम्हन समिति इम्पोर्टेंट है, हंटर आयोग जलियावाला बाग हत्याकांड से ठीक है, और जैन आयोग राजीव गांधी हत्याकांड से संबंधित थे, संबंधित आयोग था, नानावटी आयोग और लिब्राहन आयोग ठीक है। तो नानावटी आयोग गोधरा कांड से और लिब्राहन आयोग जो था वो आपका बाबरी मस्जिद से, तो यहाँ से इन चार पांच में से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है ठीक है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ पे आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं ठीक है, क्योंकि उस पर भी हम महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको प्रेषित करते रहते हैं ठीक है। धन्यवाद।